चाहता हूँ कि जो तीनों शीट का जो डेटा है इसको एक अलग शीट पे कंबाइन करना चाहता हूँ। अब तीन डेटा हम इसको कंसोलिडेट करना चाहते हैं। अब मेरे पास तीन है लेकिन फिलहाल मैंने एग्जांपल के तीन रखा है, बट हो सकता है 30 हो, 40 हो, 100 हो, 200। सारे डेटा आपको एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना। तो मैनुअली क्या करेंगे, आप जाएंगे सिलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे और देन पेस्ट करेंगे, राइट? राइट। मैनुअल करने पे दो चीज़ें हो सकती है, एक तो टाइम कंज्यूम होगा, दूसरा एरर हो सकता है कि आप एक सीट को दो बार पेस्ट कर दे या किसी सीट को पेस्ट ही ना करें। एक सीट को दो बार पेस्ट कर दे या किसी सीट को आप पेस्ट ही ना करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइक्रोज का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हम कैसे इसके लिए प्रोग्रामिंग करते हैं। अब 300 सीट हो या 30 सीट हो या 40 सीट्स हो, हम बस कुछ सेकंड में या कुछ मिनट में इसकी प्रोग्रामिंग लिख देंगे। ओके सर, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट मैंने बनाया माइक्रोज। यहाँ पे कॉपी ए के नाम से हमने एक माइक्रो बनाया। अब एक माइक्रो को बनाने के बाद क्या होगा कि जो डेवलपर टाइप में जो माइक्रोज होता है ना सर, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ इसको रन कर सकते हैं। ओके, राइट राइट। ए माइक्रो का सब्जेक्ट के बाद आप पहले दिन में हाइफन डाला था लेकिन अभी हाइफन नहीं है। नहीं, हाइफन कहाँ डाला हमने, हमने नाम, इस नाम तो कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टी अंडरस्कोर वन कर दिया, यहाँ पे मैं पूजा कर दिया, या अपने गर्लफ्रेंड का नाम लिख दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमने कॉपी ए डाला ताकि बाद में रन करूंगा तो पता चलेगा कि कॉपी करने का है या कॉपी ऑल या कंपाइल, ऐसे काम से रिलेटेड नाम डाल लीजिए, ठीक है ना, जिससे इन फ्यूचर में रन करते समय आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैंने यहाँ पे कोड डाला कि पहले प्रोसीजर क्या, आप देखिए क्या होता है कोड करने का प्रोसीजर होता है। तो पहला प्रोसीजर क्या है कि डी वन में जाना, ठीक है, तो इसका कोड डालेंगे शीट्स डी वन डॉट सेलेक्ट, ठीक है। ओके, फिर होता है इसको कंट्रोल ए करके कॉपी करना, राइट। ओके, नेक्स्ट कॉपी करने का, तो रेंज ए वन से, अब कंट्रोल ए का यहाँ पे कोड होता है करेंट रीजन। कंट्रोल ए का कौन सा कोड है सर? करेंट रीजन बताऊंगा मैं आपको, करेंट रीजन। तो करेंट रीजन डॉट कॉपी, देखिए क्या हो गया, कॉपी हो गया। फिर जाना है डेटा शीट में, सबसे लास्ट वाले सेल पे डेटा शीट पे जाना है। तो डेटा शीट पे जाने का कोड हमने यहाँ पे डाला डी टू डॉट अगेन सेलेक्ट, सेलेक्ट, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में आना ना यहाँ पे, तो कैसे आऊँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ए 65,000 पे जा रहा हूँ, मैं ए 65,000 या 10,00,000 ऐसी बड़ी सा बड़ा सा नीचे का एक्सेल एड्रेस ले लीजिए। और यहाँ से मैं कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करूँगा तो सबसे लास्ट में पहुँच जाऊँगा ना सर, पहुँच जाएगा। तो इसका कोड यहाँ पे होगा कि ए 65,000 सब यहाँ पे एंड सबसे लास्ट में आना है, कहाँ के तरफ, तो ऊपर के तरफ, ठीक है। लेकिन ऊपर के तरफ तो यहाँ पहुंच रहा है, मुझे तो यहाँ पे चाहिए क्योंकि पेस्ट तो मैं यहाँ करूंगा ना सर। तो इस काम का मेरा ऑफसेट यूज करेगा, ऑफसेट 1,0 और पेस्ट ना करके हम पेस्ट स्पेशल कर देते हैं, पेस्ट ऑल कीजिए, पेस्ट वैल्यू कीजिए, जो करना यहाँ पे कर सकते हैं आप। ओके, ठीक है, पेस्ट हमने वैल्यू कर दिया, हो गया पेस्ट। ए डेटा में आ गया ना अभी, हाँ डेटा, यहाँ पे डी टू ने, यहाँ पे माफ कीजिए गलत हो गया, डी टू का गलत लेकर आया डेटा ले, ठीक है। अब बट प्रॉब्लम है कि डी सिर्फ जो है एक ही चीज को फॉलो करेगा, एक ही सीट को करेगा, आपको तीन चार सीट है, जितने सीट इतने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट करना सही नहीं होगा क्योंकि 300 सीट हुआ, 300 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम 300 बार कॉपी पेस्ट ना करके लूप यूज करेंगे, मैंने इसको रिपीट करवाने का, लूप का काम क्या होता है, रिपीट करवाना। लूप फंक्शन है सर? नहीं, लूप फंक्शन नहीं, कमांड है, एक कमांड है। 1, 2 हमने बोला शीट्स डॉट काउंट, क्योंकि जितना शीट है उसका काउंट कर लो, उसमें से एक घटा दो। एक क्यों घटाया हम, क्योंकि एक हमारा डेटा शीट है। नहीं सर, ऐसा करना है, समझ में नहीं आया। और आई को एक नंबर वाली दिया है हमने, बोला हमने आई ले लिया, अब आई के जगह पे एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते, एक काउंटर होता है। ओके,
हमने बोला है कि एक से चलो कितना तक, इस सीट में जितने सीट से उतना से एक कम, तो ओके, एक काउंट करेगा, जितने 1 2 3 4 काउंट कर लिया, -1 -1 3, तो मतलब कि इस कोड को 3 बार रन करेगा, और कितना बार रन कर चुका है इसका इसका काउंट आई रखेगा। ओके ओके, ठीक है, मतलब ये 3 बार काउंट करेगा, चार बार काउंट करेगा तो -1 हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। सीट डॉट काउंट क्या करेगा, जिस जो भी एक्टिव सीट होगा ना उसकी नंबर ऑफ सीट काउंट करके देगा। यहाँ पे -1 कर दिए तो 4 को क्या मिला, 4 को मिला 3 1 2 3 मिला। ओके ओके, यहाँ पे मैनुअल आप 3 भी लिख सकते हैं, मैनुअल 3 भी लिख सकते हैं ना सर। जी जी, लेकिन मैंने ऑटोमेट कर दिया ताकि इन फ्यूचर में अगर बढ़ेगा बढ़ेगा तो फिर शीट बढ़ेगा तो वो माइनस हो जाएगा। जी हाँ, ओके सर। अब यहाँ पे शीट्स, यहाँ पे हमने शीट्स लिखा d1.select। अब d1 तो फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 भी लिख सकते हैं। 1 मतलब पहले नंबर पोजीशन पे जाएगा, मतलब यहाँ पहला पोजीशन। 2 मतलब दूसरा पोजीशन। 3 मतलब तीसरा पोजीशन। और जैसे मैं बताया कि आई क्या करता है, काउंट रखता है, गिनती रखता है, तो फर्स्ट बार चलेगा तो गिनती में 1 रखेगा अपने पास, तो इस आई को मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कैसे वर्क कर रहा है। तो हमारे पास एक एफेट होता है जो कि स्टेप इन्फो करता है, 1 by 1 रन करता है, पूरा एक साथ नहीं करता है। रन किया तो सीट ने दिया, देखिए 4 काउंट किया, दिख गया आपको सीट काउंटर 4। स्टेप इनटू कहां से सेलेक्ट हुआ सर, स्टेप इनटू यहां डिबग में होता डिबग है, में एफेट मिस आउट कर इसका एफेट होता है। ओके ओके, तो यहां पे 1 है तो पहले सीट पे गया, कॉपी किया डेटा सीट पे गया और पेस्ट कर दिया okay, सर कर वापस दिया। दूसरे सीट पे गया, डेटा सेलेक्ट कॉपी किया, वापस डेटा पे गया, सबसे लास्ट में पेस्ट कर दिया। फिर तीसरे पे गया, तीसरे कॉपी किया और गया पेस्ट कर दिया। तो अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कोड कैसे चल रहा है सर, क्या है मेरा एक कंफ्यूजन है, क्यों लास्ट में कैसे पेस्ट हो गया। ओए लास्ट में यहाँ पे हमने किया ना, यहाँ पे हमने बोला 65,000 पे जाओ, वहां से ऊपर जाओ, ऊपर से एक रो नीचे आओ। एक रो नीचे आएगा, ऑफसेट है ऊपर नीचे का, एक रो नीचे आ गया, फर्स्ट पेज किया, लेकिन सेकंड पे D2 पेज का कॉपी किया। फिर वापस आप लग रहा है आपको एक्सेल का थोड़ा सा कम नॉलेज लग रहा है। देखिए क्या होता है, देखिए जैसे कि अगर मैं यहाँ ए 65,000 पे लिखा, ओके उधर गया, यहाँ गया, यहाँ पहुंच गया मैं। अब यहाँ से कंट्रोल के साथ अप एरो यूज करूंगा तो कहाँ पहुंच रहा है, ऊपर पहुंचेगा, A1 पे पहुंचा, पहुंचा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख देता हूँ तो अब कहाँ पहुंचेगा, अब A1 पे नहीं पहुंचेगा, A2 पे पहुंचेगा, A2 पहुंचेगा। हाँ हाँ ओके ओके, जितने नाम पहुंचेगा यहाँ पे, यहाँ पहुंचेगा। ओके इसलिए ऑफसेट 1 बार 0 क्यों डाला सर, 1 इसलिए डाला कि यहाँ से रो नीचे, इसमें रो ऑफसेट क्या है, रो एंड कॉलम होता है, तो हमें रो ही नीचे आना है, कॉलम थोड़ी नीचे आना है। हाँ ओके ठीक है, ओके ओके समझे, समझ गया, रो से 1 कॉलम नीचे जाएगा, देखिए कॉलम नहीं जाएगा। जी जी ओके 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 मालूम, समझ गया। तो अब यहाँ जो आपका है यहाँ पे,